सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये देखने में थोड़ा इजी भी लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक दो पॉइंट समझने की ज़रूरत है। अगर आपने वो एक दो पॉइंट समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, राइट? तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वन होल क्यूब इक्वल टू वन, राइट? अगर यहाँ पर x प्लस वन क्यूब होता और इक्वल टू जीरो होता तो यह क्वेश्चन बहुत ईजी था। ऑब्वियसली a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको लगाना है, पर यहाँ पर वन है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले इस वन को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा, ठीक है। x प्लस वन होल क्यूब एज इट इज माइनस वन इक्वल टू जीरो, राइट? और वन को मैं ऑब्वियसली किस तरीके से लिख सकता हूँ, वन क्यूब, राइट? बिकॉज वन का क्यूब क्या होगा, वन होगा। वन का स्क्वायर आप कुछ भी कर दो, आंसर वन ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ वन को। तो आई एम श्योर यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, विच इज आई एम श्योर सबको पता है कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ए इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस वन और यहाँ पर बी इक्वल टू आएगा वन, राइट? तो सिंपली ए और बी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन माइनस बी विच इज माइनस वन, राइट, इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, राइट? इतना आपको आई एम श्योर आपको समझ में आया। इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो अब सिंपली हम ये यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, राइट? तो एक्स प्लस वन माइनस वन विच इज ओनली एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज एन प्लस वन, ठीक है, ये प्लस वन। तो एक्स एज इट इज यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिख दूँ, यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर फिर टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एन प्लस वन एन दिस प्लस वन, तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, राइट? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में जीरो मिला। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, राइट? बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को भी हमें सोल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर एक्स की दो और वैल्यू मिलेगी, राइट? हमें दो और वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर एक्स की हमें टोटल तीन वैल्यू मिलने वाली है, राइट? तो देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको किस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, एग्री? तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, थ्री, तो माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस थ्री प्लस और माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फोर इंटू ए विच इज इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू थ्री तो माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई टू, राइट? ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो माइनस थ्री प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। तो जब भी यहाँ पर अंडर रूट में माइनस नंबर आएगा तो उसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं, राइट? हम इसको इमेजनरी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस थ्री प्लस और माइनस थ्री एज इट इज और यहाँ पर माइनस वन उसका रूट, उसको हम लिख सकते हैं आयोटा, राइट, डिवाइड बाई टू। ये किसकी वैल्यू होगी, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स की हमें दो वैल्यू मिली, राइट? यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू एक्स की होगी माइनस थ्री प्लस थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू, दूसरी होगी माइनस थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर हमें टोटल तीन वैल्यू मिली, जीरो और ये माइनस थ्री प्लस और माइनस थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। तो ये हमारी वैल्यू होगी। जैसा मैंने कहा ये बहुत ईजी था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसको सोल्व करना था, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में कैसे भी करके जीरो लाना था, और एक बार अगर जीरो आ गया तो फिर यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल था, राइट? ये तो यहाँ से तो सब लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।